रोहिलखंड से निकलकर महादजी शिंदे ग्वालियर आ गए और कुछ समय के बाद महादजी का पराक्रम राजपूत प्रांत में भी फैलने लगा। उस वक्त मुगल महादजी को सम्राट से भी बड़ा मानते थे, इसीलिए इस मराठा योद्धा को मुगलों ने आमिर उल उमारा से सम्मानित किया। इस तरह उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर एक बार फिर से मराठाओं ने भगवा फड़काया, पर शायद इस बात से ब्रिटिश नाखुश थे, इसीलिए 1782 में बॉम्बे प्रांत से ईस्ट इंडिया कंपनी पुणे में घुसने की कोशिश करने लगी। तब नाना फर्नीस के साथ महादजी शिंदे ने ब्रिटिशों की आधुनिक सेना को पूरी तरह से हराया। तब ब्रिटिश और मराठाओं के बीच 17 मई 1782 में शांति समझौता हुआ। ये समझौता ट्रीटी ऑफ सालबाई कहलाया। पर यहाँ अंग्रेजों का मुंह बंद हुआ ही था कि वहाँ 1786 के बीच दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान के रूप में एक बार फिर से मराठाओं का विरोधी सामने आया। दुर्भाग्य से माधवराव पेशवा जीवित नहीं थे, इसीलिए नाना फर्नीस ने सबसे ताकतवर योद्धा हरिपंत और तुकोजी राव होलकर को 50,000 की सेना के साथ मैसूर की तरफ भेजा। जिस तरह पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम खान गार्दी ने सदाशिव राव भाऊ का विश्वास जीता था, उसी तरह निजाम और मराठा एक हो गए और मैसूर के स्वघोषित सुल्तान टीपू सुल्तान को इस बार न सिर्फ युद्ध में हराया बल्कि सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाया। जिस तरह टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने माधव राव के सामने घुटने टेके थे, ठीक उसी तरह टीपू सुल्तान ने भी मराठाओं के सामने अपने हथियार डाल दिए। इस कड़वी लड़ाई के बाद उसने मैसूर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाना बंद कर दिया। जहां हिंदू रहते थे वहां सुरक्षा व्यवस्था कायम की, जो मंदिर तोड़े गए उनका पुनर्निर्माण कराया और मैसूर सल्तनत एक आदर्श राज्य के रूप में पुनर्जीवित हुई। तो ये है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद की कहानी। इतिहास के हजारों पन्ने इन सच्ची घटनाओं से भरे हैं। ऐसे बहुत सारे योद्धाओं के नाम हैं जिनका जिक्र तो अभी तक हुआ भी नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हैं जिनका जिक्र यदि किया जाए तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। पूरे भारत में भगवा जरूर फड़काया गया, पर अफसोस है कि इतिहास के इन तीन महान योद्धाओं के निधन के साथ ही सभी शांति समझौते टूट गए। नाना फर्नीस, महादजी शिंदे और पेशवा माधव राव के निधन के बाद पेशवाई के कमजोर होने का कारण मुगल, टीपू सुल्तान या अंग्रेज नहीं थे बल्कि पेशवाई की अंदरूनी कलह थी। कुछ लोगों की वजह से जिन जिन योद्धाओं के पास जो जो राज्य थे उन सब पर से छत्र छाया हट गई। बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे, इन सब ने खुद को स्वघोषित राजा कहना शुरू किया और दूसरी तरफ पुणे, सातारा और कोल्हापुर अकेले पड़ गए। इन तीन बचे राज्यों में से कोल्हापुर की हालत तो ठीक हो गई, पर पुणे और छत्रपति की राजधानी सातारा अकेले पड़ गए। इस बीच अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इन सब पर आक्रमण करेंगे तो ये मराठा फिर से एक होकर हमें हरा देंगे। अंग्रेजों ने मैसूर, बंगाल, अवध, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों को युद्ध में हराकर ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनाया, पर पुणे और सातारा में कोई बड़ा मराठा योद्धा बचा नहीं था। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया, पर अंग्रेजों ने जानबूझकर बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर और कोल्हापुर के नए राजाओं के साथ युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे पर हैं तो ये वही मराठा जिनके एक हुंकार से मुगल साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। इतिहास के लिए मराठा साम्राज्य
ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर से विलय जरूर हुआ था, पर जिस महान कार्य के लिए मराठाओं ने तलवार उठाई थी वो काम तो पूरा हो चुका था। इस कर्म भूमि पर जब जब अत्याचार बढ़ा है, तब तब झांसी की रानी और तात्या टोपे ने जन्म लिया है। जब जातिवाद बढ़ा, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जन्म लिया। जब अन्याय बढ़ा, तब लोकमान्य तिलक ने। जब समानता का हक छीन लिया गया, तब महात्मा ज्योतिराव फुले और महादेव रानाडे का जन्म हुआ। जब स्त्रियों की शिक्षा की जरूरत थी, तब सावित्री बाई, विनोबा भावे और महर्षि कर्वे जैसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया। और जब क्रांति की जरूरत पड़ी, तब वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। इतिहास के इन सभी महान सुपुत्रों को द हिस्ट्री टीवी शत शत नमन करता है।